नमस्कार, दूरदर्शन आर्काइव द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम यादें में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे मुख्तलिफ शायर से करवा रहे हैं जो अपनी काबिलियत से ज़माने के रुख को मोड़ने की ताकत रखते थे। सैयद अख्तर हुसैन रिजवी, जिन्हें ज़माना कैफी आज़मी के नाम से जानता है। इनका जन्म 14 जनवरी 1919 में आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ था। ये एक ऐसे अजीम शायर, कवि, गीतकार थे जिन्होंने उर्दू शायरी को हिंदी सिनेमा जगत में पॉपुलर किया। फिल्म हीर रांझा के वो सुंदर डायलॉग को कोई कैसे भुला सकता है, कर चले हम फिदा जाने तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, जैसे गीतों को सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कैफी साहब ने मंथन, सात हिंदुस्तानी, कागज़ के फूल, पाकीज़ा, हकीकत, अर्थ जैसे संजीदा फिल्मों के लिए बेहतरीन लिरिक्स दिए। इनकी कैफियत एक ऑडियो बुक है जिसमें इनकी आवाज़ में इनकी रचनाओं को सुन सकते हैं। बेहतरीन शायरी व मौसीकी के लिए कई सारे पुरस्कारों व सम्मानों से नवाजा गया है, जिनमें पद्मश्री, फिल्म फेयर अवार्ड, नेशनल अवार्ड फॉर द बेस्ट लिरिसिस्ट फॉर द फिल्म सात हिंदुस्तानी इत्यादि है। तो आइए इस खूबसूरत कलाकार से मिलते हैं। कैफी भाई, कुछ अपने बचपन के बारे में बताइए। मैं उत्तर प्रदेश के एक बहुत मर्दुमखेज ज़िले आजमगढ़ के एक छोटे से गांव में मेरे पैदाइश हुई। मेरे वालिद को अपने लड़कों से ज़्यादा अपनी बेटियों से प्यार था। बहनें भी हमारी पांच थी, लेकिन अजीब इत्तेफाक की बात है कि बड़ी बहन को टीबी हुई। अच्छा, आज टीबी तो नज़ले ज़ुकाम के बराबर है, उस वक्त कैंसर से कम नहीं समझी जाती थी। तो उन्होंने खूब जम के इलाज किया बड़ी बहन का, और जहाँ जहाँ वो इलाज के लिए जाती थी, तो चूंकि मैं घर में सबसे छोटा था इसलिए मुझे उनके साथ जाना पड़ता था। अच्छा। तो इस तरह से अगर आपने झनकार में मेरी नज़में पढ़ी होंगी तो देखा होगा कि उन नज़मों में मायूसी और दर्द ज़्यादा है। पहली बार मिजवा में 1980 या शायद 1982 में गई, और मुझे इतनी हैरत हुई कि ये इतना छोटा सा गांव है, यहाँ सड़क भी नहीं है, यहाँ इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है, यहाँ पानी भी नहीं है, और ये आदमी जो मेरा बाप है, जो इतना वेल नोन शायर है, जिसको सारी दुनिया जानती है, वो इतनी छोटी सी जगह से निकला है और कहाँ ये आदमी पहुँच गया है, बहुत हैरत का मुझे एहसास हुआ। मैंने शायरी शुरू की थी जिस वक्त की ये बात कर रहा, तो रोज़ ही कुछ ना कुछ कह लेता था, लेकिन ज़्यादा चीज़ें उस वक्त की ज़ाया हो गई। सिर्फ ये गज़ल जो ये पहली मेरी गज़ल है जो मैं आपको सुना रहा हूँ, ये ज़िंदा रह गई। इस वजह ज़िंदा रह गई कि इसको ये कहीं बेगम अख्तर को बाद में मिल गई, उन्होंने इसमें अपनी आवाज़ के पंख जोड़ दिए। रूह बेचैन है, एक दिल की अज़ियत क्या है, दिल ही शोला है तो ये सोज़े मोहब्बत क्या है, वो मुझे भूल गई इसकी शिकायत क्या है, रंज तो ये है कि रो रो के भुलाया होगा। मैं हैदराबाद की एक सीधी सादी सी लड़की थी और मुझे कैफी की शक्ल बहुत अच्छी लगी थी और उनकी शायरी और उनकी आवाज़ वगैरह, इस वजह से मैंने उनको पसंद किया था। और अपने घर के पूरे माहौल के इख्तलाफ के बावजूद उन्होंने कहा था कि देखिए, आपको तो कपड़े पहनने का इतना शौक़ है और वो बेचारे सिर्फ 45 रुपीस कमाते हैं, तो जाहिर है कि आपका खर्च नहीं चल सकता। तो मैंने कहा कि नहीं, वो आदमी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और उनके साथ चाहे मुझे मजदूरी भी करनी पड़े और सर के ऊपर मट्टी भी उठानी पड़ेगी तो मैं करूँगी। शादी मेरी हो चुकी थी, शादी मेरी 47 में हो गई थी, तो 47 शादी के बाद जाहिर है आदमी के खर्च बढ़ता है। मैं तो पार्टी मेंबर था तो मुझे वेज मिलती थी पार्टी की, मगर वो सिर्फ मेरे लिए काफ़ी होती थी। आपको ताज्जुब होगा कि हमारे पास मेरे खाने के पैसे नहीं होते थे,
30 रुपये कैफी साहब को खाने के देने पड़ते थे और पार्टी उनको सिर्फ 45 रुपीज़ देती थी। तो ये सुबह 5 बजे उठ के एक नज़्म लिखते थे, मज़ाहिया नज़्म डेली अखबार के लिए। तो वो भी मुझे बहुत बुरा लगा जब पीसी जोशी ने मुझसे कहा कि ये इनसे मुझे ऐसा काम नहीं करवाना चाहिए। तो फिर मैंने प्रेम धवन वगैरह से कहा कि मुझे कहीं ना कहीं काम दिलवाओ। तो उन्होंने कोरस में मुझे एक गाना दिलवाया तो उसके 30 रुपये मुझे मिले, तो बहुत खुश हुई मैं। फिर मैंने पृथ्वी थिएटर भी में भी काम किया, इस तरीके से डबिंग करती थी, ये करती थी, उससे पैसे कमाने लगी। मुझे हमेशा इस बात का एहसास था कि ये मुख्तलिफ किस्म के आदमी हैं। हमेशा ऐसा लगा था कि जैसे बाकी के बाप होते हैं, बाकी के वालिद होते हैं, वैसे ये नहीं है। इनमें बहुत सी चीज़ें ऐसी थी जिनसे उस वक्त मुझे, मैं आपको 3 साल की उम्र की बात बता रही हूँ, कि मुझे इससे तकलीफ़ होती थी। एक तो ये सफ़ेद कुर्ता पजामा पहनते थे, पैंट और शर्ट नहीं पहनते थे जैसे कि बाकी के लोग मेरे स्कूल में पहनते थे, और ऑफिस नहीं जाते थे, बस घर पे बैठ के लिखते रहते थे। तो मुझे ऐसा लगता था शायर चीज़ क्या होती है, शायर तो शायद कोई ऐसी चीज़ होती है जो कोई काम वाम करता नहीं है और बिजनेस करता नहीं है, तो इट इज़ अ यूफेमिज्म फॉर समबडी हु डज नो वर्क व्हाटसोएवर। लेकिन उसके बाद जब इनका नाम पेपर में आना शुरू हुआ और मेरे कुछ क्लासमेट्स ने मुझे बताया कि देखो तुम्हारे वालिद का नाम स्कूल अखबार में आया है, तो मुझे इस बात का एहसास हुआ कि क्या बात है भैया, मेरा अब्बा जो है वो तो दुनिया के सब अब्बा से मुख्तलिफ है। और फौरन मैं जिन चीज़ों से शर्माती थी, घबराती थी, उन सब को मैंने अपना एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट बना लिया, और बल्कि आई स्टार्टेड शोइंग ऑफ टू माई फ्रेंड्स दैट माई फादर वॉज कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम एवरीबडी एल्स। सीरियसली मुझे इंडस्ट्री ने उस दिन से माना शायर सॉन्ग राइटर जिस दिन गुरुदत्त ने मुझे साइन किया। गुरुदत्त इतनी बड़ी चीज़ थे कि उन्होंने साइन किया तो इंडस्ट्री ने समझ लिया कि ज़रूर अच्छा लिखते होंगे, तभी इन्होंने किया। मगर बदकिस्मती ये रही राशिद के उनकी वो सबसे पसंदीदा फिल्म फ्लॉप हो गई, कागज़ के फूल। लोगों ने ये कहा, ये नहीं कहा कि इनको लिखना नहीं आता, ये कहा कि लिखते बहुत अच्छा है मगर इनके सितारे ख़राब हैं। तो इसकी वजह से बहुत से प्रोड्यूसरों ने मुझे मेरे करीब आना छोड़ दिया। म्यूज़िक डायरेक्टर समझते रहे कि भाई ये मनहूस है, इनके साथ का क्या काम करना। तो बहुत बेकारी की तकलीफ़ के दिन गुजरे काफ़ी, और उसमें साहब हर तरह की तकलीफ जाहिर है कि बम्बई ऐसा शहर, उसमें सबसे ज़्यादा तकलीफ माली होती है अगर ना हो बुरा, मगर आफरी है मेरी बीवी को कि इनके बाप ने मुझसे मना किया था, कहा था ये बहुत खर्चीली, लेकिन इन्होंने मेरा ऐसा साथ दिया कि उस वक्त भी मैं इसी रास्ते पर जमा रहा। और वो जो कभी मुझे यकीन है कोई दूसरी बीवी होती तो कुछ ना कर पाती तो मुझे पार्टी से ज़रूर बदगुमान कर देती कि ये छोड़ो कोई का और काम करो। भाई मैंने जो एक छोटी सी उम्र में कैफी साहब का जो इंतखाब किया अपने हम सफ़र के लिए, तो मैं समझती हूँ 47 साल गुजरने के बाद भी मेरा ख्याल है कि मेरा सिलेक्शन बिल्कुल सही था। वैसे तो लोग हमेशा बीवियां जो हैं तारीफ ही करती हैं, लेकिन मैं उन बीवियों में से नहीं हूँ, बहुत खरी हूँ। काफ़ी बेकारी के दिन गुजरे, तकलीफ। फिर चेतन साहब ने हकीकत शुरू की, तो हकीकत इन्होंने बहुत दिनों के बाद शुरू की थी, इसलिए कि ये भी बेकार थे, इनकी बहुत से बड़ी बड़ी फिल्में फ्लॉप हो चुकी थी। तो जब इन्होंने फिल्म शुरू किया और मुझे साइन किया तो लोग इनके पास पहुंचे और इनसे कहा कि आप क्या कर रहे हैं, इतने दिन के बाद आपको चांस मिला है, आप उनको ले रहे जिनके सितारे ख़राब हैं। उन्होंने कहा देखो सितारे मेरे भी अच्छे नहीं हैं, दो ख़राब सितारे मिलके शायद कुछ कर पाए, इसलिए उन्होंने मुझे साइन किया। और उसके बाद से तो वो फिल्म चली और खूब चली और गाने खूब चले,
تو پھر وہ بھول گئے لوگ ستارے اتارے. کیفی صاحب کی شاعری میں جو سب سے خاص بات لگتی ہے وہ یہ ہے کہ ان کے جو سب سے پرسنل پرابلم ہے وہ صرف پرسنل پرابلم نہیں رہتی ہے, اٹ بیکمز دا پرابلم آف دا یونیورس, اٹ ٹرانسینڈز دا ٹریجڈی آف دا پرسن, اٹ ٹرانسینڈز دا فیلئر آف دا پرسن ان ٹو اے یونیورسل ٹروتھ اینڈ اے یونیورسل انڈرسٹینڈنگ. زندگی جہد میں ہے, صبر کے قابو میں نہیں, نبض ہستی کا لہو کانپتے آنسو میں نہیں, اڑنے کھلنے میں ہے نہ خط خمے گیسو میں نہیں, جنت ایک اور ہے جو مرد کے پہلو میں نہیں, اس کی آزاد روش پر بھی مچلنا ہے تجھے, اٹھ میری جان میرے ساتھ ہی چلنا ہے تجھے. قدر اب تک تیری تاریخ نے جانی ہی نہیں, تجھ میں شولے بھی ہیں بس عشق پشانی ہی نہیں, تو حقیقت بھی ہے دلچسپ کہانی ہی نہیں, تیری ہستی بھی ہے ایک چیز جوانی ہی نہیں, تیری ہستی بھی ہے ایک چیز جوانی ہی نہیں, اپنی تاریخ کا عنوان بدلنا ہے تجھے, اٹھ میری جان میرے ساتھ ہی چلنا ہے تجھے. توڑ کے رسم کے بت بند قدامت سے نکل, زوف عشرت سے نکل, وہم نزاکت سے نکل, نفس کے کھینچے ہوئے حلقہ عظمت سے نکل, قید بن جائے محبت تو محبت سے نکل, راہ کا خاری کیا گل بھی کچلنا ہے تجھے, اٹھ میری جان میرے ساتھ ہی چلنا ہے تجھے. توڑ یہ عزم شکن سلسلہ پند بھی توڑ, تیری خاطر ہے جو زنجیر وہ سوگند بھی توڑ, توق یہ بھی ہے زمرد کا گلوبند بھی توڑ, توڑ پیمانے مردان خردمند بھی توڑ, بن کے طوفان چھلکنا ہے ابلنا ہے تجھے, اٹھ میری جان میرے ساتھ ہی چلنا ہے تجھے. مجھے لگتا ہے جتنا آدمی گریٹ ہوتا جاتا ہے اتنا اس کے اندر ایک ہیوملٹی آ جاتی ہے. حال ہی میں جب ابا کو آنر کیا گیا تھا, یو پی گورنمنٹ نے ان کو آنر کیا تھا, تو آئی سو ہم ان آل ہز گریٹنس, اینڈ جب مجھے احساس ہوا کہ یہ انسان اپنے گریٹنس سے کتنا ڈیٹیچڈ ہے, مطلب سب لوگ ان کے اطراف ان کی صرف تعریف ہی تعریف کر رہے تھے اور وہ اس طرح سے دیکھ رہے تھے ان کو جیسے وہ کسی اور کی بات کر رہے ہیں, تو اٹ واز آلموسٹ ایز اف سمبڑی ایلس واز بینگ آنرڈ, دے وار ٹاکنگ اباؤٹ سمبڑی ایلس. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ان میں ایک بہت بہت بڑی امپورٹنٹ خاصیت ان میں یہ ہے کہ ہی ڈزنٹ لیٹ اٹ افیکٹ ہم ایٹ آل. ایک ان کی جو اور بہت بڑی خاصیت ہے وہ یہ ہے کہ یہ آدمی ورکر ہے, یہ مزدور ہے, یہ کسان ہے, یہ زمیندار نہیں ہے, اور یہ اتنا بڑا لیڈر ہونے کے باوجود اس میں کوئی لیڈری کی کوئی بات نہیں ہے, کوئی میں راجا ہوں اور میری بات مانو ایسی کوئی بات نہیں ہے. میں نے ان کو دیکھا ہے کہ جب اپٹا کا فنکشن ہوا تھا تو یہ صرف اپٹا کا جو یہ سٹیمپ نکلا ہے 50th گولڈن جوبلی پر, یہ صرف کیفی اعظمی کی ہمت ہے اور ان کی پرسسٹنس ہے اور ان کے جان کا لوا بننے کی طاقت کہ انہوں نے یہ سٹیمپ نکلوایا. بہت کم ایسے لوگ اس دنیا میں آتے ہیں اور بہت کم میرے جیسے خوش نصیب ہیں جو ابا کیفی صاحب کے گھر میں میں آئی اور مجھے اتنا پیار ملا ان سے, اور I'm just very thankful. مجھے اس کی خوشی ہے کہ میرے بچے مجھے باپ کی حیثیت سے بہت چاہتے ہیں, بہت پسند کرتے ہیں, اور اس کی بھی خوشی ہے کہ بیوی بھی بہت ساتھ دیتی, بہت چاہتی, شوہر مجھ کو وہ اچھا شوہر سمجھتی, شاید میں ہوں بھی اچھا شوہر کوئی.